अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर जो कि यामा के पोर्टफोलियो से, और ये है R7 और MT07। इस बाइक में आपको 776 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि लिक्विड कूल इंजन होगा, और इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा। दोस्तों साल 2024 शुरू हो गया है और इस साल की नई शुरुआत के साथ ही इस साल भी कई सारी बाइक्स और गाड़ियों के लॉन्चेस हमको देखने को मिल सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कौन सी हैं वो बाइक्स जिनके लॉन्चेस हमें जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं इन बाइक्स के बारे में सब कुछ। सबसे पहला नाम आता है रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो से, जो कि है रॉयल एनफील्ड की शॉटगन बाइक, जिसे हालिया में अभी अनवील किया था, और इस बाइक को 15 जनवरी के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। और इस बाइक की कीमत की अगर बात की जाए तो 3 लाख से 3.5 लाख रुपए की इसकी कीमत कहीं इस बैंड में रह सकती है। बाकी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 650 सीसी का इसमें इंजन आता है, जो कि आपको 46 पीएस की पावर प्रोड्यूस करके देता है और 52 एनएम का बेहतरीन टॉर्क देता है। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा। बाकी इसमें आगे आपको यूएसडी फोक्स मिल जाएंगे, पीछे आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, और इसमें ड्यूल चैनल एबीएस भी आएगा। इस बाइक का लगभग 240 किलो के आसपास इसका वजन हो सकता है, और इस बाइक में आपको 4 कलर थीम्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफी यूनिक डिजाइन ओवरऑल देखने को लगेगा। अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर जो कि है केटीएम के पोर्टफोलियो से, और ये है केटीएम की 125 ड्यूक 2024। इस बाइक की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 1,70,000 से 1,80,000 रुपए तक की कीमत इस बाइक की रह सकती है, और इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि आपको 14 पीएस का पावर देगा और 11 एनएम का टॉर्क देगा। इस बाइक में आपको काफी बेहतरीन स्पोर्ट्स वाला लुक मिलने वाला है, और इसमें लिक्विड कूल इंजन होगा और 6-speed का गियरबॉक्स इस बाइक में आपको देखने को मिल सकता है। इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस आ जाएगा, और आगे की तरफ देखेंगे तो आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो 800mm तक की इसकी सीट हाइट हो सकती है, और इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और इसके कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले टू व्हीलर की ओर जो कि है एथर के पोर्टफोलियो से, और ये है एथर का 450 एपैक्स। इस स्कूटर में आपको टिपिकल एथर का डिजाइन मिल जाएगा, इसकी प्राइसिंग 1,60,000 से 1,70,000 रुपए तक हो सकती है, और इसमें अभी तक हालांकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्या क्या बैटरी टाइप होगा, कितनी बैटरी कैपेसिटी होगी, क्या रेंज होगी। बाकी इसमें आपको नॉर्मल एथर्स की तरह ही 4 राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, इको, राइड, स्पोर्ट्स और रैप। अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर जो कि है सुजुकी के पोर्टफोलियो से, और ये बाइक आपको तब खरीदनी चाहिए अगर आप टूरिंग बाइक खरीदने का एक प्लान बना रहे हैं। तो ये बाइक है V-Strom 800। इस बाइक में आपको 776 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि लिक्विड कूल इंजन होगा, और इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा, और साथ ही में इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 10 से 12 लाख रुपए तक का इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। और इस बाइक के और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 230 किलो का इसका वजन होगा। इसकी सीट हाइट की अगर बात की जाए तो 855 एमएम की सीट हाइट होगी, उसके बाद आपको 220 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा, जो कि आपको टूरिंग में काफी ज्यादा मदद कर देगा। बाकी इसके ओवरऑल डिजाइन को जब आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल V-Stroms की तरह ही यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिलने वाला है, और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले टू व्हीलर की ओर जो कि है बजाज के पोर्टफोलियो से, और ये है चेतक इलेक्ट्रिक। इस बार आपको चेतक में नया डिजाइन देखने को मिल सकता है, नया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में इंप्रूव्ड रेंज भी इस स्कूटर में देखने को मिल सकती है। इसके अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 1.5 लाख से 1,60,000 रुपए तक की इसकी कीमत रह सकती है। अब बढ़ते हैं अगले टू व्हीलर की ओर जो कि है हीरो के पोर्टफोलियो से, ये है जूम 160। इस स्कूटर में आपको 160 सीसी का इंजन मिल जाएगा, और इस स्कूटर को आप एडवेंचर और बेटर परफॉर्मेंस के लिए खरीद सकते हैं। इसके अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो 1,60,000 से 1,70,000 रुपए तक का इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। अगली बाइक है होंडा की NX 500। इसमें आपको 500 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि टेक्निकली 471 सीसी का होगा, और अच्छी खासी ये परफॉर्मेंस ये बाइक आपको दे सकती है। इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात की जाए तो जुलाई में हमें देखने को मिल सकता है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो लगभग 8,00,000 से 9,00,000 रुपए तक रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर जो कि यामा के पोर्टफोलियो से, और ये है R7 और MT07। हालिया में अभी R3 और MT03 यामा ने लॉन्च की थी, बट अब की बार वो R7 और MT07 लेके आएंगे। इस बाइक में आपको 700 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि 73 पीएस की पावर प्रोड्यूस करके देगा और 67 एनएम का टॉर्क देगा। इस बाइक का लॉन्च हमें फरवरी में देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आखिरी बाइक की ओर जो कि है रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो से। तो जी हाँ, हमने वीडियो शुरू किया था रॉयल एनफील्ड की बाइक से और खत्म करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक पे। ये है शॉटगन का स्क्रैम्बलर वर्जन, और इस बाइक का नाम होगा शेरपा 650। इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर में, और इस बाइक के अगर इंजन की बात की जाए तो वही आपको जो आपको सुपर मीटियोर में इंजन मिलता है, और जो शॉटगन में इंजन मिलने वाला है, कॉन्टिनेंटल वगैरह में इंजन जो मिलता है आपको, उसी तरह का इंजन यहाँ पे आपको इस बाइक में भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो बाइक की पोजीशनिंग वगैरह है वो थोड़ी सी अब की बार यूनिक देखने को मिल सकती है, और ये थोड़ा सा स्क्रैम्बलरिश वर्जन होगा आपकी शॉटगन 650 का।
और इस बाइक की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 3 लाख से 3 लाख 20 हजार रुपए तक का इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रह सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी बाइक्स जिनका हमें लॉन्च इस साल देखने को मिल सकता है। आप किस बाइक के लिए सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मिस ना कर सकें।